सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर काफी समय से चर्चा है, लेकिन कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस फिल्म का नाम अब बदला जा रहा है। दरअसल फिल्म का नाम काफी बड़ा है और मेकर्स को लगा कि इस नाम के साथ फिल्म को प्रसिद्धि कम मिलेगी। यही कारण है कि फिल्म का नाम बदलकर अब भाईजान कर दिया गया है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि शाहरुख खान के साथ सलमान खान की भिड़ंत होने जा रही है। पता चला कि सलमान खान की फिल्म भाईजान दिवाली 2022 को रिलीज के लिए फाइनल की गई है। इसी दिन शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज होनी है, जिसका आधिकारिक ऐलान होने वाला है। खबर है कि शाहरुख खान और अटली की फिल्म दिवाली 2022 को रिलीज होगी। अगर दोनों फिल्म दिवाली पर रिलीज होती हैं तो निश्चित ही ये काफ़ी बड़ी भिड़ंत साबित होने वाली है। सलमान खान और शाहरुख खान काफ़ी समय के बाद आमने सामने होंगे। हालांकि इस खबर को लेकर किसी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और ना ही कोई जानकारी सामने आई है। सलमान खान फिलहाल टाइगर 3 और शाहरुख खान पठान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। पठान में सलमान खान कैमियो करते नजर आने वाले हैं और दोनों ही फिल्म यशराज प्रोडक्शन की हैं। सलमान खान इसके अलावा किक 2 और अंतिम को लेकर भी बिजी हैं। शाहरुख खान की बात करें तो राजकुमार हिरानी के साथ उनकी बातचीत जारी है। बॉलीवुड की और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़।